बिस्मरिम असल नाजरीन वीनस टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट आपका मेज़वान मोहम्मद अली पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला नाजरीन हमने देखा आज जो है बरोज बुद्ध मार्केट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक लिया जो जुम्मे के दिन हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर मफ्ता इसमाइल साहब का जो दौरा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उसमें जो मेन मेजर जो बात करनी थी और जो स्टेक होल्डर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के उनसे उनको जो कॉन्फ्रेंस में लेना था वो बेसिकली जो यू को स्टेक्स बेचने हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी है तकरीबन तेरह कंपनी हैं इसके नाम में आप, आ, आपके साथ शेयर कर लूँ सबसे पहले अगर हम देखें तो ओ है पी है सुई सदन है पी है सुई नॉर्दर्न है मारी पेट्रोलियम है फौजी फर्टिलाइज़र है फौजी सीमेंट है पाकरी पी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पी कंपनी नेशनल बैंक पी इन तमाम कंपनियों के जो हसास हैं दस फ़ीसद वो जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके बिहाफ़ पर तकरीबन एक से ढाई अरब डॉलर जो है वो मिलने की तो है स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज़ में वन बिलियन डॉलर तक जो है वो यू की तरफ से ये पेमेंट मिलेगी ये जो पैसा है ये नया पैसा नहीं होगा इसमें से जो ये पैसा आएगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपना हसास जो है वो सेल करके वो पेमेंट निकाल कर जो है वो एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेगी जो हमारे जखायर हैं उसमें शो करेगी आईएमएफ का जो तकाजा है उस हिसाब से तो ये जो कंपनीज़ हैं इनमें हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी और काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखी इसमें ख़ास तौर पर हम देखें तो ओ जी डी सी पी पी एल सुई नॉर्दन सुई सदन को अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और मार्केट की जो पॉजिटिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो किरदार अदा किया मार्केट uh, में एक और चीज़ थी मार्केट को पॉजिटिव जाने में उसमें हम देखें तो मर्ज क्लियरिंग थी आशुर्य की छुट्टियां थी इस वजह से हम देख रहे हैं कि मर्ज क्लियरिंग थी इस वजह से मार्केट में जो है हमने तेज़ी विटनेस की uh, जो सेटलमेंट रेशियो है वो उस हिसाब से खातिर ख्वाह नहीं है तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटी के साथ काम कीजिएगा वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है वंस uh, अगेन ये जो चीज़ें हैं ये जो मामलात हैं ये सारी चीज़ें फ़ाइनलाइज होंगी उसको टाइम लगेगा इट विल टेक टाइम और हमें देखना है उस वक्त इंडेक्स का क्या लेवल होगा और मार्केट का क्या लेवल होगा काफ़ी ज़्यादा बुलंद और बाला दावे किए जा रहे हैं इंडेक्स के हवाले से और मार्केट के हवाले से लेकिन कुछ भी कहना इस वक्त कबल अस वक्त है जिस हिसाब से हमारी मार्केट चल रही है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के माशी मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान जिस हिसाब से इन चीज़ों से जूझ रहा है हम पॉलिटिकल अनसर्टनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं और जो गवर्नमेंट पे जो मामलात हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए देख रहे हैं तो एक कशमाकश वाला माहौल है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये सारी चीज़ों को अभी भी हमें देखना है इसके अलावा अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में हम जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी विटनेस करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जिस हिसाब से सी के नंबर्स आए हैं उस हिसाब से हमें देखना है कि इंटरेस्ट रेट का जो नंबर्स है वो कितना ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी जो है वो फैक्टर अदा करेगा तो लिहाजा जितना हो सके सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के साथ काम करें कोशिश करें जितनी चादर उतने पाँव फैला के काम करें लेवरेज प्रोडक्ट को यानी फ़िलहाल अवॉइड करें और कोशिश करें कि लेवरेज प्रोडक्ट में ज़्यादा काम ना करें स्पेकुलेशन जो है वो ज़्यादा ना करें स्पेक्युलेटिव स्टॉक से दूर रहें चंद स्पेकुले स्पेकुलेटव स्टॉक्स हम देखेंगे कि आगे जाके जो है वो सस्पेंड भी हो सकते हैं उनके सस्पेंड होने के भी खदशात हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है उन्होंने अभी तक जो उन्हें नब्बे दिन का टाइम दिया था हेस्कॉल कंपनी की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने जो है अभी तक वो मामला नहीं किया तो अभी भी सप्टेम्बर में देखना बाकी है हेस्कॉल के पास सिर्फ एक महीना रह जाएगा इसके बाद कि वो जो है अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करता है वो प्रॉपर अपने कंपनी को ऑडिट करा पाता है कि नहीं करा पाता या फिर ये कंपनी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट करें तो ये जो तेरह कंपनियां हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा वंस अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी के साथ फ़िलहाल काम करें बाइंग ऑन डिप पे जब मार्केट थोड़ा एक नया लो बनाती है जब मार्केट डिप पे जाती है तो ये तेरह कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुथरी हैं इसमें चंद कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट मल्टीपल पर काम कर रही हैं तकरीबन एक से डेढ़ के दो के मल्टीपल पर काम कर रही हैं जो हमारा एवरेज के सी हंड्रेड इंडेक्स का जो मल्टीपल है उससे भी आधे रेटों पे काम कर रही हैं तो उनमें जो है इन्वेस्टमेंट बनती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो काम अच्छा बनेगा इन कंपनियों में ज़्यादा फोकस इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट की जो सबसे बेस्ट कंपनियां हैं उनमें शुमार होती हैं फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा साउंड है और हम देखते हैं तो इन इनकी जो पाँच साल के जो हम फाइनेंशियल हिस्ट्री देखें तो इनकी हिस्ट्री है और इसके अलावा जो डिविडेंड ईल्ड है इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये काफ़ी ज़्यादा सुथरे स्टॉक्स हैं डिविडेंड ईल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के तनासब से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बेहतर हैं डिफेंसिव स्टॉक्स हैं और यानी आपको एक कैपिटल गेन भी दे सकते हैं अगर कैपिटल गेन आप उसमें अवेल नहीं कर सके मार्केट uh, के मार्केट uh, की लो uh, परफॉर्मेंस होने की वजह से तो आप इसमें डिविडेंड या कोई और चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं इसमें और जो मामला नज़र आ रहे हैं हमें कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और यू जो है वो अपना एक डायरेक्टर मांगता है इन कंपनीज में तो वो मामला भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे अब तक जो मामला चल रहे हैं वो डायरेक्टर्स को लेके जो है वो सवालिया निशान हैं और इस पर बातचीत भी चल रही है इस पर बैस मुबाइस भी चल रहा है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है मफ्ता इसमाइल साहब उनका भी जो दौरा था जुम्मे के दिन वो इन्हीं चीज़ों के पेश नज़र था उन्हें उन्हें जो है वो कोशिश करनी थी कि किसी ना किसी तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसमें हम स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन देखें स्टॉक मार्केट की इंतजामिया देखें एस सी देखें उन सारे स्टेक होल्डर से जो है वो मुशावरत करनी थी उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना था कि जो फॉरेन डायरेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए फ़ॉर डायरेक्टर इंक्लूड होंगे तो ऑब्वियसली जो जमलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे डायरेक्टर्स जो हैं जितनी जितनी जितने मामला जो कंपनीज़ में हम देखें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं सर्कुलर डेट का मसला है इसके अलावा प्रॉपर ऑडिट्स नहीं होती कंपनीज़ में और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस होते हैं वो मामला को भी uh, संजीदगी से देखेंगे और प्रॉपर चैनल के थ्रू वो काम करेंगे तो उससे भी जो है वो uh, ये उम्मीद लगी जा रही है कि इन कंपनियों के जो फाइनेंशियल्स हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे नाथिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आई ये बहुत अच्छी सूतरी रिनाउंड कंपनी है ये जो है अपना एक परसेंटेज है मोरी नागा इनका जो एक ब्रांड है उसके 26.5 परसेंट जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं पार्शल जो है देखा जा रहा है तो डी दी, डीवेस्ट कर रहे हैं ये जो माह हो रहा है वो तकरीबन 45.08 मिलियन डॉलर्स का है मददा और तकरीबन इसका जो रेट तय हो रहा है वो दो दो डॉलर सात सेंट पे जो है ये मामला होंगे ये माह होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और जो कैश फ्लो है वो आई के पास आएंगे तो ये भी मामला जो है आगे जाके हम देखेंगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी आईसीआई वंस अगेन बहुत बड़ा स्टॉक है बहुत महंगा स्टॉक है तो बाइंग ऑन डिप के स्ट्रेटी के साथ अगर आप डिलीवरी बेस्ड काम करना चाहते हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करके आप अगर डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं मौरिन आगर जो कंपनी है ये जैपनीज़ कंपनी है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है और जो हमारा हमारे जो मुल्क के डायनेमिक्स से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी इस मुल्क में इस खत्े में तो उस हिसाब से जो है इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है तकरीबन हम देखें तो उसकी जो हिस्ट्री है आईसीआई के साथ वो 1978 के एट से जो है वो एसोसिएट हैं आईसीआई uh, के साथ मोरिन आगा तो ये मामला जो है हम देख रहे हैं कि आगे जाके मजीद uh, ग्रो करेंगे और आईसीआई को वक्ती तौर पर जो है वो लिक्विडिटी के जो मामला थे हैं वो उसके पूरे होंगे uh, नाजरीन इसके अलावा थोड़े बहुत uh, हम इंटरनेशनल बात कर लें तो पा uh, पाकिस्तान और चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा uh, मामला ख़राब किए हैं इंडिया ने इंडियन लॉबी जो है वो वक्तन वक्ता वक्तन मामला चला रही होती है और हम देखें तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे वो एफ हो यूनाइटेड नेशन हो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान को पीछे करने का और पाकिस्तान पे तनकीद करने का और पाकिस्तान पे तोहमतें लगाने का तो ये मामला हम देख रहे हैं इंडियन एम्बेसडर टू यू एन रुचरा कम्बोज जो है उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान और चाइना को और उन्होंने जो है अपने रिमार्क्स दिए हैं वो आप लोग के साथ शेयर किया जाता है इट इज मोस्ट रिग्रेटिबल दिन And evidence based listing proposals pertaining to some of the most notorious terrorists in the world are being placed on hold. Double standards and continuing politicization have rendered the credibility of the sanctions regime at an all time low. In remarks, you that China and Pakistan a double standard game and hypocrisy. पे काम करता है टेर्रजम को जो है वो सपोर्ट करता है टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया के अगर हम मामला देखें तो इसी तरह से ही चलते हैं और पूरी दुनिया के जो है वो कुछ आ, मामला ऐसे होते हैं कि वो आ, दूसरे ममालिक से जो इनके जिन मुमालिक के साथ इनकी नहीं बनती मामलात ख़राब हैं तो उन के साथ जो है वो इस तरह से इंगेज होते हैं हम इंडिया भी देखते हैं इंडिया जो है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि पाकिस्तानी अंदरूनी मामला में जो है वो मुदाखलत करे फंडिंग भी की जा रही होती है पाकिस्तानी कैसे कितने ऐसे जो हैं वो सेक्रेटेरियन इदारे हैं उनको फंडिंग की जा रही होती है पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सियासतदान इन सब के अगेंस्ट जो है वो फंडिंग की जा रही होती है और अपना नैरेटिव पेश करने की इंडिया कोशिश कर रहा होता है क्योंकि हम देखें तो जो ये मामला हैं जो ये जंगें होती हैं जो अभी लेटेस्ट हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में यह मामला देख रहे हैं तो ये सारी जो है वो डायरेक्ट जंगें नहीं होती इनडायरेक्ट जंगें होती हैं प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं प्रॉक्सी वॉर्स में जो है वो फंडिंग भी होती है टेररिज़म के मामला भी इसी तरह ही चलते हैं तो इंडिया जो है वो हर प्लेटफॉर्म जो है वो अवेल करना चाहता है इंडियन लॉबी जो है हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है और उनकी जो लॉबिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और मजबूत है और उस हिसाब से हम देखें तो उस पर फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो जो है कोई मौका नहीं छोड़ते अपने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर हम देखें तो उसकी टसल चलती जा रही है ख़ासतौर पर हम देखें तो नॉर्दर्न एरिया है नॉर्दर्न रीजन है जिसे वो आ, खुद का कश्मीर कहते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये मानता है कि इंडिया की ऑक्यूपेसी है इंडिया ने जो है उसमें अपनी जो है वो मामला डाले हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया है मेजॉरिटी अगर हम देखें तो कश्मीर में तो वो मुसलमानों की थी लेकिन इंडिया जो है वो इस तरह से मामला बनाता है इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो इस तरह से अपने आप को नरेट करता है कि ये पूरा एरिया जो है पूरा खत्ता है वो उनका है तो इन चीज़ों पर जो टसल चल रही है हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ पास्ट में दो से हम देखें तो किस तरह से मामला संजीदा हैं खराब हैं तो वो इंडिया हर मौका चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी को कंटिन्यू बनाते हुए अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो पूरी दुनिया का जो है वो अलम बरदार कहलाता है और अपने आप को जो है वो प्रॉस्पेरिटी पीस का जो है वो अलम बरदार कहता है तो उसने जो है भी यूक्रेन में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और 10 बिलियन डॉलर का जो हथियार सप्लाई किया है यूक्रेन को यूक्रेन जो है अगर हम इंडेक्स में देखें तो के बाद ये यू है जो ये कहता है कि रशिया के बाद जो है वो करप्ट ममालिकप मुल्को, मुल्कों की फहरिस्त में वो शामिल होता है उसको जो है वो दस बिलियन डॉलर दे रहा है किन चीज़ों के लिए जंग के लिए वी आर वर्किंग इसके अलावा Uh, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के जो है 50 ममालिक ऐसे हैं जिनकी जीडीपी जो है वो 10 बिलियन से कम है और हम जिस हिसाब से हम मामला देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक रिसेशन के मामला हैं और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से ही आर्टिफिशली बनाई गई हैं कोविड 19 के दौरान जो है अमेरिका ने जिस हिसाब से डॉलर को सप्लाई किया डॉलर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई इसके बाद हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के मामला खराब होते जा रहे हैं अमरीका जो है वो उसका जो आ, काम करने का तरीका है वो इस तरह से है कि वो खुद के अंदर के जो इन्फ्लेशन है उसको बार मुमालिक में जो गरीब मुमालिक हैं उनमें बांट देता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पाकिस्तान उसकी एक एग्जांपल है वन ऑफ द एग्जांपल है इसमें हम देखें तो पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक इस तरह की बैंकों के आगे मकरूज रखा जाता है और पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान जैसे ममालिक को कहा जाता है कि आप अपनी करेंसी है आप अपनी जो रुपी है उसको डी वैल्यू करें डी वैल्यू करने से जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में सस्ते दामों बिकना शुरू हो जाती है तो ये देखा जाता है कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के नंबर्स बिगाड़ पैदा कर रहे होते तो उस हिसाब से असरअंदाज नहीं होते और गरीब मुल्क जो, मुल जो है वो गरीब से गरीब तौर तो होता जाता है और अमरीका के हम मामला देखें तो अमरीका जो है वो इस तरह से चलता है अगर इन चीज़ों पे वो ना माने और जो अमेरिकन मॉडल है उसको फॉलो ना करें तो वो जो है मुल्क दहशतगर्द मुल्क कहलाया जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो घेरा तंग कर दिया जाता है अफवाज जो है वहाँ पे उसकी तैनाती कर दी जाती है चाहे वो नेटो के नाम पर हो चाहे वो किसी और चीज़ों के नाम पर हो तो वहाँ पर जो है वो मामला ख़राब किए जाते हैं रशिया इसका लेटेस्ट एग्ज़ैम्पल है रशिया में अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया के जो तनाज़ा हैं ये टेबल टॉक्स के ज़रिए सॉर्ट आउट हो सकते थे टेबल टॉक्स के जरिए मामला सेट हो सकते थे लेकिन अमेरिका नहीं चाहता किस तरह के मामला हों अमेरिका चाहता है कि मामला ख़राब हों हम जो अभी चीज़ें देख रहे हैं जिस हिसाब से यूनाइट नेशन भी जो है वो डायरेक्ट कर रहा है कि एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो है अवेटेड है जो ये न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ पर रशिया ने ऑक्योपेसी की है यूक्रेन के एरिया में वहाँ पर जो है रशियन ने एक मिलिट्री बेस बनाया है और यूक्रेन जो है वहां पर मुताद बाढ़ जो है हमने देखा है मिसाइल से अटैक कर चुका है अगर न्यूक्लियर प्लांट में इस तरह के कोई मामलात होते हैं और रेडिएशन एक्सपोज हो जाता है तो हम एक बहुत बड़ा जो है सानिया देख सकते हैं एक न्यूक्लियर डिजास्टर देख सकते हैं चुनोबुल अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अब तक का इंसानी तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था छब्बीस अप्रैल नाइनटीन में जो है रात को एक बज के मिनट पर जो है ये डिजास्टर हुआ जब जो रशियन साइंटिस्ट हैं उस वक्त सोवियत यूनियन था सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो प्लांट नंबर फोर में कुछ हलचल देखी और मामला देखे कि रेडिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी हो रही है उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ ये जो धमाका है वो हिरोशिमा नागासाकी का जो धमाका था उससे 400 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका था हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने खुद जो है वो एटम बम गिराए और जो अमेरिका ने जो है वो पर्ल हार्बर में जो अमेरिका पर अटैक हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान तो अमेरिका ने जो है उसका बदला लिया था 1945 में सारे मामलात हुए थे तो ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री जो है दोबारा रिपीट होती हुई लग रही है और ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए लग रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो जंग के असर और सूख में जा रही है इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है इसमें हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और लटे लटेबिया जो है ये दो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का स्ट्रेन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाइना का जो ये ड्रिल है ताइवान में वो काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं पूरे रीजन में पूरे खत्ते में ट्रेड जो है उस हिसाब से बहाल नहीं होगी ट्रेड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खलल पैदा होगी हम ये मामला देख रहे हैं तो इस वजह से जो कमोडिटीज़ हैं वो नीचे आएंगी कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो डिस्काउंट होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई नहीं होगी और उस हिसाब से डिमांड नहीं होगी कोविड 19 में हमने मामला देखे कि जिस हिसाब से सप्लाई थी एक नॉर्मल जो दिन थे उसमें सप्लाई थी और कोविड 19 ने जैसा ही अटैक किया और पूरी दुनिया को जो है अपने लपेटे में लिया इसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव एट डॉलर तक चले गया तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामला दोबारा बनते हुए लग रहे हैं लेकिन इस बार कोई वबा नहीं होगी इस बार जो है ये आपसी जो रंजिश है आपसी जो मामला ख़राब हैं और आपसी जो जंगें हो रही हैं और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया की कमोडिटी प्राइस को हैं वो नीचे लाएंगी तो ये जो है वो आइडियल नईडियो नहीं हैं आइडियली जो है ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्लोबल रिसेशन है इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं लोगों की क़ुतें खरीद कम होती जा रही है मुल्कों की कीतें खरीद कम होती जा रही है मुल्क जो है वो कर्ज़ों में काफ़ी ज़्यादा डूब गए हैं हम जो ये बात कर रहे थे कि दस अरब डॉलर जो है यू ने यूक्रेन को दिया है तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो 50 ममालिक ऐसे हैं जिनका जीडीपी 10 बिलियन डॉलर से भी कम है उसमें अगर चंद ममालिक मैं आप लोग के साथ नाम ले लूं तो उसमें है ताजिकिस्तान है जिसका जो जीडीपी है वो सात बिलियन डॉलर का है कॉन्गो है इसका एट पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर का है भूटान का अगर हम देखें तो टू पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर का है तो ये तीन ममालिक मैंने आपको एग्जाम्पल दिए इस तरह के पचास ममालिक हैं जहाँ पर जो है वो दस बिलियन डॉलर से भी कम के जी है लेकिन जो मामला चलते हैं और जो चलाए जा रहे हैं वो जंग की तरफ ही ज़्यादा फोकस है पूरी दुनिया की प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया की पीस पर जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं है आपस में जो है वो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है ये देखना अभी बाकी है डेवलपिंग स्टोरी है और पाकिस्तान जो है अगर जितना टाइम यूएस के साथ रहेगा तो पाकिस्तान जो लग रहा है जिस हिसाब से मामला चलाता है यू तो पाकिस्तान जो है वो सप्रेस्ड ही रहेगा और पाकिस्तान के मामला अंदरूनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगे और इसको ख़राब करने में हमारा पड़ोसी मुल्क जो चाहता है कि पाकिस्तान के मामला खराब रहें पाकिस्तान के जो हैं वो टुकड़े हों और पाकिस्तान के जो हैं वो चीज़ें कभी यानी सक्सेस ना हो और पाकिस्तान जो है वो कभी प्रॉस्पर ना करे तो वो इंडिया है इंडिया इस चीज़ की हमेशा लॉबिंग करता है और एक मखसूस बजट पास होता है इंडिया में कि वो पाकिस्तान को जो है वो किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहता है नासरीन ब्रेक पर जाते हैं ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया जाएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन सबसे पहले डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया हमारा पाक रुपी जो है वो थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है इंटर बैंक में अगर हम देखें तो ये जो सातवा कंजर्वेटिव सेशन है जिसमें पाक रुपी जो है उसने गेन किया है तो आज का जो रेट बना है वो एक, दो सौ इक्कीस डॉलर चल रहा है और पाक रुपी ने जो है वो सिफर आशारिया छियानवे परसेंट जो है वो गेन किया है रिचर्ड बे कोल्ड प्राइस का डेटा इस मुताबिक है दो सौ बानवे आशारिया पचास डॉलर चल रहा है इसने पंद्रह आशारिया सत्तर डॉलर जो है वो गेन किया है डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो एटी एट पॉइंट एट्टी एट डॉलर फी बैरल चल रहा है इसने एक आशारिया बासठ डॉलर जो है वो लूज किया है डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल जो है वो पिचासी डॉलर तक आता हुआ लग रहा है जिस हिसाब से आपको फर्स्ट हाफ में कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त कवते खरीद नहीं है और जो डिमांड है उस हिसाब से नहीं है तो इस वजह से कमोडिटी जो है वो नीचे आएंगी गोल्ड का रेट अगर हम देखें तो एक तोला गोल्ड एक लाख तैंतालीस हजार फी तोला चल रहा है दस ग्राम सोने की कीमत एक लाख बाईस हजार पाँच सौ निन्यानवे है इंडेक्स सोल्यूशन मुताबिक है मार्केट का करंट इंडेक्स बयालीस हजार चार सौ चौरानवे है मार्केट ने तीन सौ अट्ठानवे पॉइंट गेन किए हैं मार्केट की पिछली क्लोजिंग बयालीस हजार छियानवे पर थी टोटल चवालीस करोड़ शेयर का काम हुआ है जिसमें इक्कीस करोड़ शेयर सेटल हुए हैं सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो अड़तालीस आशारिया उनतालीस परसेंट है कदरन कम है पी रेशो जो मल्टीपल चल रहा है वो चार आशार्य छत्तीस का है मार्केट कैपिटलाइजेशन सात आशार्या सिफर आठ खराब रुपए की है इजाफा दो सौ तीन कंपनी में हुआ है ग्राउट का शिकार एक सौ तेईस कंपनी है बढ़कर बढ़करार्ट चौबीस कंपनी है एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव दस आशार्य अस्सी परसेंट है अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव चार आशार्य इकहत्तर परसेंट है डे रेंज इस मुताबिक है मार्केट ने नीचे बयालीस हजार छियानवे का लो बनाया जबकि ऊपर बयालीस हजार सात सौ छिहत्तर का हाई बनाया बावन हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है मार्केट ने नीचे उनतालीस हजार पांच सौ इकतालीस का लो बनाया जबकि ऊपर अड़तालीस हजार एक सौ चवालीस का हाई बनाया फीपी लीबी डेटा के मुताबिक है फीपी लिपी का डेटा के हिसाब से हम देखें तो मेजर जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की है सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो कंपनीज की है मेजर सेलिंग अगर हम देखें तो फॉरेन कॉपरेट्स की है सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की है नाजिन ये था मार्केट का डेटा उम्मीद है इस डेटा से जो है आपको फायदा होगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदानों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया हाफिज